नमस्ते भैया। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमराज सिंह है, मैं गोशामल डिवीजन का कोऑर्डिनेट इंचार्ज हूँ। कैसा चल रहा है आपका गोशामल में कैंपेनिंग? आज राजा सिंह जी का पदयात्रा का 12th डे है। राजा सिंह जी आज करीमनगर बंडी संजय अन्ना जो कि सेंटर महामंत्री है उनके नॉमिनेशन रैली में गए। उनकी गैर मौजूदगी में गोशामल डिवीजन में हमारे राजा सिंह जी के धर्म पत्नी उषा भाई यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं। तो भाई इस बार देखे तो पिछले 10 साल में राजा सिंह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा किया, अब क्या क्या पेंडिंग वर्क है इसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? आप देखिए पिछले 9 साल से गोशामल में कईयों करोड़ों का डेवलपमेंट हुआ। आप अगर RTI डालकर देख सकते हैं कि गोशामल असेंबली में 6 डिवीजन आते हैं, दत्तात्रेय नगर गोशामल डिवीजन, बेगम बाजार हो, जामबाग हो, गन फाउंड्री हो, गोशामल डिवीजन हो, 6 डिवीजनों में करोड़ों का काम किया गया राजा सिंह जी के द्वारा। तो इस बार BJP में और एक सीनियर लीडर विक्रम गौड टिकट के लिए आशा किया है, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने फिर एक बार राजा सिंह जी को मौका दिया। विक्रम गौड से आपका मदद कैसा है? देखिए वो तो पार्टी का अंतरंग मामला रहेगा। इस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है हम लोग उसका वेलकम करते हैं और विक्रम गौड जी भी राजा सिंह जी को मदद जरूर करेंगे इस इलेक्शन में। पब्लिक में कैसा रेस्पॉन्स है पद यात्रा में? आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात बताता हूं। जब भी पदयात्रा में हम लोग सारे लोग घूम रहे हैं, हम लोग जब घर पे जा रहे हैं तो वहां के वोटर्स ये कह रहे हैं राजा भैया आपकी आने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में हम लोग आपको तीसरी बार MLA बनाने का मन बना चुके हैं। मेरे मना ना पेर विक्की सिंह, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा हैदराबाद सेंट्रल जिला कन्वीनर नामपल्ली। ఇప్పుడు గోశామల్ల క్యాన్వాసింగ్ నడుస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు పబ్లిక్ ది వాతావరణం ఎట్లా ఉందంటే, ఎవరు అన్నాని ఏం చెప్తున్నారు అన్నా మీరు ఇక్కడ రాకండి, నేనేమైనా ఉంటే మీ ఆల్వేస్ సపోర్టర్ బీజేపీ అండ్ రాజాబాయి, ఆల్రెడీ రాజాబాయి కాషాయ జెండా తీసుకొని మొత్తం గోశామల్ల తిరుగుతున్నారు, అన్ని జాగాల పోతున్నారు, మేము ఇంకొకటి అందరు ఐటీ ఫైల్ చేస్తున్నారు కదా, మేము ఒక డెవలప్మెంట్ బుక్ తీసినాం, ఆ బుక్ మీరు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీడియాతోని, అది బుక్ మీరు కొంచెం మోటివేషన్ చేయండి, ఏం చేసినాం మేము, ఏం చేయాలి 10 ఇయర్స్ నుంచి ఏం చేసినారు, చాలా ఆపోజిషన్ పార్టీ అడుగుతారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఏం అడుగుతున్నారు, వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఒకసారి చూస్తే ఎక్కడెక్కడ డెవలప్మెంట్ అవుతుందారు లేదు అది చూడాలి, మీరు కొంచెం మీరు మీడియాతోని అది చూపెట్టాలి సార్. అది అయితే ముఖ్యంగా ఈ గోశామల్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ పార్టీకి ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు? బీజేపీ ఆల్వేస్ బీజేపీ ఉంటుంది, క్లీన్ స్వీప్ క్లీన్ స్వీప్ అనుకుంటున్నారా? ఆ రైట్ క్లియర్ 100%. అయితే మీరు రాజా సింగ్ ఈసారి ఎంత మెజారిటీ అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు 50,000 మెజారిటీ అనుకుంటున్నారు. అమ్మా నమస్తే. అమ్మా నమస్తే. క్యా నామ హై అమ్మా? శాంత. कुछ दिन में तेलंगाना में इलेक्शन है, इस बार गोशामल में कौन जीत रहे? अब वो कौन जीतते हम किसी का नाम नहीं बोलते, जिसको डालना है उसको डालेंगे। क्या है आपका कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, हमारे को घर का किराया नहीं निकल रहा, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं है, मैं इधर उधर मेहनत करके रह रही, घर का किराया भरना नहीं, बेडरूम नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कैसे अप्लाई किया? हाँ सब करे, अप्लाई करे। क्या बोल रहे हो? ये इलेक्शनों के बाद देते बोल रहे। तो पेंशन आ रहे? पिंचिन भी नहीं आ रही, पिंचिन का पूरा उसमें बता दिया, नंबर लिख दिए, कल आओ बोले, हाँ लिस्ट में नाम आ गया, कल आओ बोले, कल गए तो क्या कि जो बोले सवाले ही नहीं आया, तो भाई गुरु का लिस्ट में नाम आया तो ना, अच्छा फिर उसके बाद में भी गए तो क्या बोल रहा मालूम है, ये पिंचिन उंचिन यहाँ नहीं हो रही, अभी घरों का हो रहा, जाओ बाद में आना, बाद में देखेंगे। पिछले 10 साल में राजा सिंह कैसा किया आपको? हमारे को तो कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे। लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? अब उन्होंने करते बोल रहे, अब क्या करते भगवान को मालूम है, अब आए तो हम करेंगे, ऐसा नहीं रहना, करेंगे बोल के बोल रहे, गलियों में बस्ती में उन्होंने आए थे ना, तो हम बोले तो क्या बोले, देखेंगे अब करेंगे बोल के बोल रहे। कैसा आदमी? अच्छा आदमी था राजा सिंह? अच्छे ही चे।
नमस्ते भैया। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। इलेक्शन है ना, कैसा पब्लिक क्या सोच रहे इस बार गोशामल में? गोशामल में देखिए, अभी हर बार तो दो बार से हम लोग राजा सिंह जी को जिता के लेकर आए, और अभी भी क्या है, थोड़ा राजा सिंह का ही नाम चल रहा, लेकिन कोई भी एमएलए आए, राजा सिंह तो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे समाज के वास्ते ज्यादा कुछ डेवलप नहीं करे। हमारे समाज के हद तक की बात बता रहा हूँ मैं, जो भी हम समाज के हद तक बात करेंगे, समाज के लिए कभी सो उतना कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करे। सिर्फ क्या है, जय श्री राम के नारे से हम राजा सिंह को संगाते हैं। कैसा आदमी राजा सिंह? राजा सिंह अच्छे आदमी, ऐसा कुछ उसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्या है बोले तो, हमारे को कोई भी वोट देते या समाज से दो या पर्सनली मैं भी वोट दे दो कि भाई मेरे को जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं आ रही है। और एक क्या है, हमारे कहने पहले कई वर्षों से, मतलब फ्यूचर थोड़े पहले, कुछ साल पहले यहाँ पे गुड़म्बा चलता था, जिससे सो लोगों का रोजगार चलता था। तेलंगाना गवर्नमेंट आई, यहाँ बीजेपी से सो अकेले राजा सिंह राजा भाई भी असेंबली में बात किया इस डूल पे। हाँ, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ पूरा, जो गुड़म्बा बंद करे, ठीक है बंद कर दिए, ठीक है वो गलत था हमारे, आप सही है मानते हम उसको, लेकिन उसके रिहैबिलिटेशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ नहीं करे। और राजा सिंह जी भी ये सो जो उठाए ये बंद करो बोल के, जिससे आज हमारे कईयों लेडीज समाज के, हमारे लोधी समाज के लेडीज जैसो कभी बाहर जाके मजदूरी पे काम नहीं करे, आज वो लेडीज जैसो मजदूरी में काम करना पड़ रहा, गुड़म्बा बंद हुआ, ठीक है उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करे गवर्नमेंट ने? आपने गवर्नमेंट से क्या लेकर आए? 10 साल यहाँ पे गवर्नमेंट आप जीत के आए ना भाई, 10 साल में आपने ये सो हमारे गरीब जो महिलाएं हैं, लेडीज है, भाइयां हैं, वो लोगों के लिए जो सो आपने क्या रोजगार लेकर आए? अभी हमारे कहने गणेशों का कारोबार चलता, अभी कर रहे बहुत से लेडीज भी जो सो गणेशों में काम करते, उसके लिए भी जो सो आप जो सो मट्टी का गणेश बनाओ बोल के बोल दिया आपने। आप ठीक है आप मट्टी का बोल रहे, लेकिन फिर ये लोग आप और कहाँ जाएंगे? फिर अब गणेशा बनाने वालों के भी पेट पे लात पड़ेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि जो भी है हमारे समाज को जो अच्छा करेगा हम उसको वोट डालेंगे, जो भी अगर वादा करेगा कि मैं ये करूंगा, या तेलंगाना गवर्नमेंट रहने दो या तो बीजेपी से रहने दो, कौन सी भी पार्टी से रहने दो, लेकिन हमारे को क्या है, हमारे समाज के वास्ते जो हमारा समाज का जो कारोबार बंद हो गया, जो कारोबार बंद करने के उस पर भी आ गए, वो उसके लिए भी जो सो हमारे को जो सो क्या कर रही गवर्नमेंट, जो हमारे को कौन सपोर्ट कर बोलेंगे, वादा करेंगे कि भाई मैं ये करूंगा तो उसको हम वोट देंगे। और हमारे कम्युनिटी से अगर यहाँ पे टीआरएस गवर्नमेंट जो चल रही, अगर हमारे कम्युनिटी के मेंबर को अगर देंगे तो हम लोग उसको जिता के भी लाएंगे, नहीं तो हम राजा सिंह को जिता देंगे।